नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम बनाते हैं अजमेर के फेमस गट्टे, जो हलवाई शादियों में बनाते हैं। गट्टे की सब्जी में दो ही मेन चीजें हैं, पहला गट्टे और दूसरा ग्रेवी। तो गट्टे के लिए हम लेंगे 1.5 कप बेसन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, 1 पिंच सोडा, खाने का सोडा। हमने ये आधा बाउल कुकिंग ऑयल लिया है। डो बनाने के लिए 2 से 3 टीस्पून हमको मोइन डालना पड़ेगा, बाकी तलने के लिए चाहिए। दूसरी चीज है ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें 2 टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज प्याज, जिंजर पेस्ट, 2 चिली, गार्लिक। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी काम में ले सकते हो। ग्रेवी को रिच बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे 1/2 कप मावा। मावा अगर नहीं है घर पे या किसी तरह से अरेंज नहीं हो सकता है तो प्याज, टमाटर, चिली, इससे सबसे भी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। ग्रेवी बनाने के लिए, छौंकने के लिए हमें साबुत गरम मसाला चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 तेजपात लिए छोटे टुकड़े, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री थोड़ा सा टुकड़ा और ये अनानास का फूल, चाहो तो पूरा डालो, नहीं छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हो, 6-7 काली मिर्च, 3 लौंग और ये हमने लिया है जायफल। ये जायफल है, इसका हमने छोटा टुकड़ा लिया है। और अगर इतनी चीजों में से सारी चीजें नहीं है तब भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और ये मेन है। तो सबसे पहले गट्टा बनाने के लिए हम डो तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक बाउल लिया है और ये छान के ले लिया है बेसन, 1.5 कप बेसन। सारा मेजरमेंट इसी बाउल से किया है। अब बेसन में सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब एक एक करके बाकी मसाले भी डाल देंगे, जीरा, सौंफ, धनिया दाना, अजवाइन, हींग, हल्दी और कुकिंग सोडा। अब इसमें 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। तब तक मिक्स करें जब तक ये मुट्ठी ऐसे नहीं बनने लग जाए। गर्म पानी से डो तैयार करेंगे। बेसन में बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना चाहिए, ज्यादा पानी डालने से लम्स बन जाते हैं। डो तैयार हो गया है, ना ये बहुत ज्यादा गीला है और ना बहुत ज्यादा टाइट, रोटी के आटे के जैसा है बिल्कुल। 5 मिनट के लिए डो को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और पानी गर्म करने के लिए बर्तन चढ़ा देंगे। सबसे पहले हम गट्टों को बॉईल करेंगे, उसके लिए हमने 750 ग्राम पानी इसमें डाला है। अब हम पानी के अंदर बॉईल आने का वेट करेंगे, तब तक हम गट्टे की शेप तैयार करेंगे। अब हम गट्टे को शेप देंगे तो सबसे पहले हम लोई तोड़ लेंगे। पांच लोई बन गई है। अब हम इसको इस तरह से शेप देंगे, ऐसे शेप देंगे।
गट्टे की शेप बनकर तैयार हो गई है। पानी में बॉईल आते ही हम इसमें गट्टे डाल देंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब एक एक करके गट्टा डालेंगे हम। पांच मिनट में ये ऊपर आ जाएंगे। ये ऊपर आते हैं तो ये इसकी पहचान है कि गट्टा तैयार हो गया, पक गया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे, इससे जल्दी पक जाएंगे। पांच मिनट हो गए हैं और गट्टे हमारे ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ये उबल गए हैं, हल्के होके सब ऊपर आ गए। अब एक प्लेट में हम इनको निकाल लेते हैं। गट्टे उबल गए हैं, इसकी ये पहचान है कि ऊपर ऊपर ये व्हाइट व्हाइट बबल जैसे आ जाते हैं। अब हम इनको कट कर लेते हैं। गट्टे कट के तैयार हो गए, अब हम इनको फ्राई करते हैं। गट्टे फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल उसमें डाला है, जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे। आइए चेक करके देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। गरम हो गया तेल, अब हम इसमें गट्टे डालेंगे। इसको पलट देते हैं। डालने के एकदम बाद नहीं पलटना चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए, एक दो मिनट। आइए देखते हैं, गट्टे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। गट्टे तैयार हो गए, अब हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और जिंजर पेस्ट मिला के हम पीसेंगे, पीस के तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए पेस्ट पिस गया है, इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। ग्रेवी बनाने के लिए हम वही पानी यूज करेंगे जिसमें गट्टे को बॉईल किया था। ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, गरम हो गई, अब हम इसमें तेल डालेंगे। आइए चेक करते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा चटक गया है जीरा। अब इसमें हम डालेंगे तेजपात, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, अनानास का फूल और काली मिर्च, लौंग, जायफल। अब ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गर्म तेल में इसलिए डालते हैं कि इसका अरोमा निकल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अपना तेल। अब इसको हम चलाते रहेंगे, बराबर चलाते हुए भूनेंगे और कढ़ाई में नीचे तक चलाएंगे जिससे नीचे लगे नहीं। अब ये प्याज पक जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद में गट्टे डाल देंगे। राजस्थान में दही के भी गट्टे बनते हैं, वो डेली यूज में खाए जाते हैं। ये स्पेशल गट्टे शादी ब्याह वाले बनते हैं। इसमें हमने हल्दी भी ऐड की है। मसाला पक गया है, चारों तरफ से तेल छूटने लग गया है मसाले से, इसकी ये पहचान है कि मसाला पक गया। अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मावा मिक्स कर लेंगे। मावा जब पक जाएगा तब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, वही गट्टे जिसमें बॉईल किए थे वही पानी ऐड कर देंगे। इस पानी में खौल आ जाएगी अच्छी तरह से, फिर हम इसमें गट्टे डाल देंगे। हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। राजस्थान की सब्जी लाल मिर्ची से भरपूर होती है, लाल कलर दिखना चाहिए तभी मजा आता है। तो हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च आधा चम्मच और थोड़ा सा और स्पाइसी बनाते हैं उसके लिए हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। कलर अच्छा आना चाहिए। अब ये हमारे शादी ब्याह वाले गट्टे तैयार होने जा रहे हैं, इसमें ऐड कर देंगे गट्टे और गट्टे तैयार।
वो पानी गट्टे बॉईल करते समय बहुत खौल गया था, इसलिए ज्यादा खौलाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे गट्टे और 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गट्टे तैयार है, ढक देते हैं इसे। अब गैस बंद कर दिए। गट्टे की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। राजस्थान में ऐसी चटपटी सब्जियां खाई जाती हैं, कलरफुल। तो आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि सब्जी कैसी बनी है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।